फ्रेंड्स, तो चलिए इस दो कलर से आपको आज लड्डू गोपाल की टोपी बनाना बताएंगे। जो हम टोपी आपको बताएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको टोपी बताऊंगी, आपको जल्दी ही आ जाएगी। उसके लिए दो कलर लिए हैं और ये 12 नंबर सिलाई ली हुई है। ये देखिए 12 नंबर सिलाई ली है मैंने। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं टोपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 22 फंदे डाल लिए हैं और देखिए ऊल हमारी पतली है। हमने 22 फंदे डाल लिए हैं और ये टोपी 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आ जाएगी। और मैं आपको ये बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, आपको जल्दी ही आएगी। तो देखिए किस तरह से बनानी है, ये देखिए 22 फंदे डाले हैं हमने, ये देखिए ये 2 सलाइयां मुझे उल्टी बनानी है इसी तरह। ये देखिए पहली सिलाई हो चुकी है इसी तरह, अब उल्टी सिलाई भी हम इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और मुझे ये 2 सिलाइयाँ इसी तरह बनानी है उल्टी, यानी कि दोनों तरफ से 4 सिलाइयाँ, 4 सिलाइयाँ मैं इसी तरह बनाऊंगी। ये देखिए दोनों तरफ की 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ की 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब इसी तरह हम 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे इसी तरह। ये देखिए तो चलिए हम ये बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम चौथी सिलाई पे हैं और चौथी सिलाई पे हमने वाइट कलर को लगाना है उल्टी तरफ से। ये देखिए ये देखिए मैं उल्टी तरफ से वाइट कलर इसमें लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, चौथी सिलाई पे हमने उल्टी तरफ से वाइट कलर को इसमें लगा दिया है। ये देखिए अब इसी तरह हम पूरी सिलाई ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अब हमने ये वाइट कलर उल्टी तरफ से लगाया है। सीधी सिलाई हम सारी इसको सीधी बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए
पूरी सिलाई हमने सीधी ले जानी है, ये देखिए। तो चलिए इसको बना के कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने दो सिलाइयाँ उल्टी डाल ली हैं, ये देखिए, एक दो, दोनों तरफ से चार सिलाइयाँ। इसके बाद हमने फिर से उल्टी, वो सॉरी, वाइट कलर को लगा के सीधी सिलाई बनाई है। अब ये देखिए, हम ये यहाँ से फिर से यही कलर लगाएंगे, ब्लू कलर को ही, और पूरी सिलाई हम इसी तरह ले जाएंगे इसको, ये देखिए। तो देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है, और ये हमारी 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं दोनों तरफ की, ये 20 सिलाइयाँ हो गई हैं। इसके बाद देखिए, हमने ध्यान से देखिए आप, दो फंदे बनाए, देखिए तीन हो गए, चार, और देखिए यहाँ पे हमने दो का एक करना है इस तरह से। फिर हमने चार फंदे सीधे बनाए, तीन, चार, ये देखिए इस तरह से। फिर से हमने यहाँ पे इस तरह से दो का एक करना है, ये देखिए। फिर चार फंदे, देखिए फ्रेंड्स, छह फंदे कम हो गए हैं। एक बार और बनाते हैं, ये देखिए, दो फंदे बनाए इस बार, और यहाँ पे फंदा हमने कम किया। फिर से हम दो फंदे बनाएंगे, और यहाँ पे हमने फिर से फंदा कम करना है, ये देखिए। ये देखिए इस तरह से, नौ फंदे कम हो गए हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हम उल्टी सिलाई भी सारी उल्टी बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, छह फंदे कम हो गए हैं, एक बार और बनाते हैं। ये देखिए, दो फंदे बनाए इस बार और यहाँ पे फंदा हमने कम किया। फिर से हम दो फंदे बनाएंगे और यहाँ पे हमने फिर से फंदा कम करना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। नौ फंदे कम हो गए हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हम उल्टी सिलाई भी सारी उल्टी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने नौ फंदे कम किए हैं और तेरह फंदे हमारे पास हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ से वाइट भी ऊन को हम कट कर देंगे यहीं पे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए इस तरह से हमने धागे में सुई डाली हुई है और सारे फंदे हम सुई पे ले लेंगे इस तरह से। आप इन फंदों को घटा भी सकती हैं, घटा के इसी तरह फिर से सुई से सिलाई कर सकती हैं। ये देखिए, अगर सुई पे नहीं लेना चाहती तो सारे फंदे घटा करके इसी तरह सुई से सिलाई करें। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम उल्टी तरफ से इस तरह से मोड़ लेंगे। अब ये देखिए, यहीं पे हमने इस तरह से वापस निकालना है। ये देखिए, और इसी धागे से हम इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए पूरा सिलेंगे इसको। ये देखिए पूरा इसको सिल के यहीं पे हमने नॉट लगानी है। ये देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने यहीं पे नॉट लगा दी है। इसको सीधा कर लेते। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से ये देखिए काफ़ी सुंदर टोपी बन के आई है। ये देखिए लड्डू गोपाल के लिए, ये देखिए काफ़ी खुली है ये। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। और देखिए हमने इसी तरह की ये दो टोपियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए सेम, ये देखिए काफ़ी खुली हैं। आप इनके ऊपर पम पम्प्स भी लगा सकते हैं बना करके। ये देखिए, तो लड्डू गोपाल की टोपी आसान तरीके से बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की टोपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।